सीरिया में दो बड़े शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा। भारतीय विदेश मंत्रालय बोला सीरिया जाने से बचे वहां रह रहे लोग दूतावास के संपर्क में रहे। रूस और पाकिस्तान के बीच चलेगी मालगाड़ी, अगले साल मार्च में होगा ट्रायल रन, ईरान अजरबैजान से होकर गुजरेगी। नेपाल चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल, इसके जरिए नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा चीन, पीएम ओली ने गेम चेंजर बताया। देश में खोले जाएंगे नवोदय विद्यालय, 75 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय की होगी शुरुआत, दिल्ली मेट्रो के रिथाला कुंडली कॉरिडोर को भी। किसानों ने दिल्ली मार्च टाला, एक दिन का दिया अल्टीमेटम, किसान नेता सरबत सिंह पंधेर ने कहा सरकार बातचीत के लिए तैयार।